हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ के बाद अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के NCVEB या फिर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हो तो इसका क्या प्रोसेस रहेगा, एडमिशन इसमें कब होते हैं, एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन एलिजिबल है। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, NCVEB की भी और SOL की भी। सबसे पहले देखिए कोर्सेज की बात करते हैं। NCVEB के अंदर अंडर ग्रेजुएट लेवल पर केवल दो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम। वहीं SOL की अगर बात करें तो SOL में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर अप्रॉक्स 7 से 8 प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, जिसमें आपका BA ऑनर्स के अंदर साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, और BCom प्रोग्राम है, BCom ऑनर्स है, BA प्रोग्राम है, BBA है, BBA FIA है। ये काफ़ी सारे प्रोग्राम SOL के अंदर ऑफर किए जाते हैं। सेकेंड थिंग, NCVEB के अंदर जो एडमिशन होता है वो आपके क्लास ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पर होता है। जी हाँ, NCVEB में सीट्स लिमिटेड होती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ 15 से 20 कॉलेजेस हैं जो NCVEB में कोर्स करवाते हैं और इसमें सीट्स लिमिटेड होती हैं, इसलिए एडमिशन क्लास ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पर होता है। दूसरी तरफ SOL में जो एडमिशन है इसमें सीट्स लिमिटेड नहीं हैं, अनलिमिटेड सीट्स हैं हर एक प्रोग्राम में, तो इसमें जो एडमिशन है वो मेरिट बेस पर नहीं होता। केवल एक मिनिमम क्राइटेरिया है जो कि आपको मेंटेन करना है। कुछ कोर्सेज के लिए क्लास ट्वेल्थ में 50% है और कुछ आई थिंक BA प्रोग्राम या BCom कोर्सेज के लिए सिर्फ पासिंग मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो SOL में हर एक बच्चे को एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा NCVEB के अंदर जो एडमिशन होते हैं उनके लिए सिर्फ दिल्ली की गर्ल्स कैंडिडेट एलिजिबल होती हैं, जिनका रेजिडेंशियल प्रूफ दिल्ली का है और उनके पास आधार या कोई और गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ है दिल्ली का, वही सिर्फ NCVEB में एडमिशन ले सकती हैं और केवल वुमेन कैंडिडेट एडमिशन ले सकती हैं। वहीं SOL में कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है दिल्ली डोमिसाइल की। इंडिया के किसी भी कोने से आप लोग एडमिशन ले सकते हो SOL में, चाहे बॉयज़ हों या फिर गर्ल्स हों। अच्छा, दोनों ही केसेस में एज लिमिट का कोई भी फैक्टर नहीं है, आप एडमिशन ईजिली ले सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की या एडमिशन कब से शुरू हो सकते हैं। NCVEB या SOL के जो एडमिशन है वो 2023 की बात करें तो आपको अप्रॉक्स जून के मंथ में देखने को मिले थे, तो इस साल भी मोस्ट लाइकली जून या जुलाई के मंथ में आपको एडमिशन देखने को मिल सकते हैं। देखिए, जो रेगुलर कॉलेजेस में CUET के थ्रू एडमिशन होते हैं उसका जब काउंसलिंग वगैरह शुरू होती है तो उसी के आसपास इन दोनों ब्रांचेस यानी कि SOL और NCVEB के भी जो एडमिशन है वो शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपको ये जानना है कि आपके लिए क्या बेहतर है, SOL बेहतर है या NCVEB बेहतर है, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगी आपको, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर से देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं इनका ब्रीफ एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं NCVEB की। NCVEB में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा, जो जो एलिजिबल हैं वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे अपने क्लास ट्वेल्थ के मार्क्स वगैरह और जो भी डॉक्यूमेंटेशन या पर्सनल डिटेल्स वगैरह वो भरेंगे। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस 250 रुपये ली जाएगी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब क्लोज हो जाएंगे उसके कुछ टाइम के बाद कट ऑफ रिलीज़ करी जाएगी, फर्स्ट कट ऑफ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कट ऑफ में जिसका नाम आता है उसको ऑनलाइन डैशबोर्ड से ही अपने अप्लाई करना होगा, दैट डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, देन उसको फीस पेमेंट करनी होगी। SOL में क्या होता है, SOL में डायरेक्टली एडमिशन फॉर्म भरवाया जाता है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, डायरेक्टली एडमिशन फॉर्म भरवाया जाता है। फॉर्म की टेंटेटिव डेट्स मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। जब फॉर्म निकलते हैं उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल और एकेडमिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ देनी होती है और एक साथ ही उसमें आपको अपनी फ़ीस पेमेंट करनी होती है। ठीक है, तो SOL में एडमिशन फॉर्म करेक्टली भरा है, डॉक्यूमेंट ठीक से भरे हैं, एडमिशन सबका हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है SOL में, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जब आप एडमिशन फॉर्म भरते हो, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ अपलोड कर देते हो, तो लास्ट स्टेप होता है पेमेंट का, जिसमें पूरी एडमिशन फ़ीस पे करी जाती है। तो वो जो लास्ट स्टेप होता है फीस पेमेंट का, वो स्टेप आपके फाइनल सेकंड लास्ट स्टेप के कुछ टाइम के बाद आता है। जैसे आपने सारा फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, देन वो वेरीफाई होंगे वहाँ पर डिपार्टमेंट द्वारा, देन आपके डैशबोर्ड में पेमेंट का लिंक दे देते हैं। आइडियली 3 से 4 दिन लगते हैं, कुछ केसेस में ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। NCVEB का मैंने आपको बता ही दिया कि भाई पहले रजिस्ट्रेशन होंगे, देन मेरिट आएगी, कट ऑफ आएगी, कट ऑफ में अगर आप एलिजिबल रहोगे देन आप अप्लाई करोगे, देन आप उसमें एडमिशन ले सकते हो।
एनसी वेब के कुछ कुछ टीचिंग सेंटर्स हैं जो सिर्फ सैटरडे में क्लासेस देते हैं और कुछ कुछ संडेज में क्लासेस देते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, आपकी टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट चलेगी, और अगर आपका क्लास ट्वेल्थ किसी दूसरे बोर्ड का है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सीबीएसई के अलावा किसी और बोर्ड का है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज शायद ये रिक्वायरमेंट भी ख़त्म हो गई थी एसओएल में लास्ट ईयर, उतनी कुछ मेजर स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ खासकर एनसीएफ वाले बच्चों के लिए, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करोगे तो एक तो आपका सर्टिफिकेट एनसीएल का होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। हमेशा से जिस भी ईयर में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट उस पर्टिकुलर ईयर में 31 मार्च के बाद का मांगती है, तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखिएगा। एसओएल में भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप फॉर्म भर दोगे फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगी नहीं, पेमेंट आपकी अटकी रहेगी, पेमेंट आप कर नहीं पाओगे, तो डॉक्यूमेंट बहुत केयरफुली संभाल कर रखना। और बाकी टेंथ ट्वेल्थ की मार्कशीट तो बता ही दी आपको, अगर आप फॉर्म खुद से भरोगे तो बी वेरी केयरफुल, फोटोग्राफ सिग्नेचर ये सब चीज़ें केयरफुली अपलोड करना, खासकर एसओएल के बच्चे, क्योंकि वही फोटोग्राफ फिर आपका आगे जाके डिग्री वगैरह में एडमिट कार्ड वगैरह में आता है, तो वो बच्चे गलत फोटोग्राफ अपलोड कर देते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल सा फोटो अपलोड कर देते हैं। प्रॉपरली डॉक्यूमेंट ऑफिशियल तरीके से अपलोड कीजिएगा सो दैट इन फ्यूचर आपको कोई भी परेशानी ना हो। फीस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस तो मैंने एनसीएफ की बता दी, एडमिशन फीस की जहाँ तक बात है दोस्तों, 5 से 6 हज़ार या 6,500 रुपये के आसपास एक साल की फीस एनसीएफ की बैठेगी आपकी। अब दो ही प्रोग्राम है तो क्या मैं डिस्कस करूँ। वहीं एसओएल की अगर बात करें तो एक साल की फ़ीस एसओएल की 7,500 से लेकर 9,000 भी जा सकती है। इवन कुछ कुछ प्रोफेशनल प्रोग्राम बीबीए वगैरह की 15,000 के आसपास भी फ़ीस है, या एसओएल की एक साल की फ़ीस आपको बताई जा रही है, क्योंकि कुछ कुछ रेगुलर कॉलेज से भी ज़्यादा है फ़ीस, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो में दोस्तों, एसओएल और एनसीएफ के एडमिशन से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।